स्मूथ शाइनी मैनेजेबल हेयर तो सबको चाहिए बिकॉज विद ग्रेट हेयर कम्स ग्रेट पर्सनैलिटी बट द क्वेश्चन इज वेदर वी आर डूइंग इनफ टू इंश्योर ओवरऑल हेयर हेल्थ. फ्रिजी हेयर स्ट्रगल्स हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं पर कितने लोग जानते हैं कि हम कुछ सिंपल होम रेमेडीज के साथ इस कंडीशन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. फ्रिजीनेस अक्सर ड्राई हेयर की वजह से होती है स्पेशली जब वेदर ह्यूमिड या वेट हो एंड आर ड्राई हेयर टेंड्स टू एब्जॉर्ब ऑल मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कॉजिंग हेयर क्यूटिकल्स टू स्वेल अप जिससे कि आर हेयर लुक्स फ्रिजी. तो चलिए जानते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में जो ना सिर्फ फ्रिज कंट्रोल में हेल्प करेंगी बट विल ऑल्सो इंक्रीज मॉइस्चर जो आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा है. फर्स्ट एप्पल साइडर विनेगर. अगर आप इसे टॉपिकली अप्लाई करें तो ये फ्रिज को टेम करने में काफ़ी हेल्पफुल है. इट विल इमीडिएटली हेल्प रिमूव रेजिड्यू इफ देयर इज एनी एंड मेक योर हेयर लुक शाइनियर. इसका यूज भी सिंपल है. एड 2 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इन 250 ml ऑफ वाटर इन अ कप. स्टिर करिए एंड यू विल हैव अ सोल्यूशन. लीव इट ऑन फॉर 1 to 3 minutes एंड रिंस विद कोल्ड वाटर. इस रेमेडी को आप एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं. सेकेंड एग वाइट्स. जिस तरह एग्स हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं उसी तरह हमारे हेयर के लिए भी हैं एज दे आर रिच इन सैचुरेटेड फैट्स बायोटिन एंड विटामिन्स. एग मास से आपके हेयर शाइनी दिखने लगेंगे और फ्रिज फ्री हो जाएंगे. उसके लिए 2 eggs को विस्क कर लें अंटिल फ्रॉथी एंड अप्लाई टू योर हेयर एंड स्कैल्प. फिर प्लास्टिक कैप के साथ हेड कवर करें एंड लीव इट ऑन फॉर 15 minutes टू शैम्पू थरली. आप इसे वंस या ट्वाइस इन अ वीक यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एड 2 spoons ऑफ कर्ड टू योर एग हेयर मास्क टू रिड्यूस इट स्मेल. थर्ड कोकोनट ऑयल. इट इज अ ग्रेट फिक्स फॉर डैमेज्ड एंड फ्रिजी हेयर. इस ऑयल का एब्जॉर्प्शन हमारे स्कैल्प पर बहुत इजीली होता है एंड इट इन टर्न एड्स मॉइस्चर टू द हेयर एंड रिड्यूसेस प्रोटीन लॉस. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑन योर पाम एंड जेंटली मसाज थ्रू योर स्कैल्प एंड हेयर. Let it stay in your hair for 30 to 45 minutes and shampoo afterwards. Fourth, argan oil. Argan oil vitamin E जैसे antioxidant से भरपूर है. इसका application wet hair पर सबसे ideal होता है, right before hair styling. After you have applied, use a brush or comb to evenly distribute all oil from scalp to tip. And remember to use very little, नहीं तो बाल greasy लग सकते हैं. ये treatment after styling frizz avoid करने के लिए बहुत helpful है. Hope this video was helpful to you. For more such insights, do subscribe to our channel.